दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग। मेरा ये पहला ब्लॉग है। अभी मतलब मैं पैराडॉक्स के लिए आया हूँ IIT मद्रास में। और ये जैसे कि ये देख रहे हो, ये मेरा रूम है तपती हॉस्टल में। मैं आया तो 21 तारीख को ही था, मतलब आज से 24 तारीख से वैसे इवेंट चालू हो रहे हैं। तो अभी मतलब लंच के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद बाकी इवेंट्स देखूँगा। चलो देखते यहाँ पे चलते हैं। ये मैंने अभी लॉक लगा दिया है, अभी चलते हैं लंच के लिए। लंच वैसे कौन से नीलगिरी मेस में है। मोबाइल का एड्रेस करा देता हूँ। वैसे मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे है, अभी नीचे जा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे पानी के मिल जाते हैं, पानी भरने का। ये वाला बंद पड़ा है, फर्स्ट फ्लोर पे है। हाँ ये वाला चालू हो गया। गेट के एंट्री है यहाँ से। और यही है मेरा हॉस्टल, तपती हॉस्टल है, इसी में रूम मिला है। अभी मैस के लिए चलते हैं अपटाउन लंच के लिए। यहाँ पे धूप वैसे बहुत होती है। पैराडॉक्स में अगर आए तो टोपी तो वैसे दे ही है दे। साइकिल भी यहाँ मिलती है रेंट पे, 100 रुपीज़ पर डे या फिर 50 रुपीज़ पर डे मिलता है रेंट। वैसे दो हॉस्टल की तरफ मिलता है, अलकनंदा हॉस्टल के वहाँ पे साइकिल रेंट मिलता है और कृष्णा हॉस्टल पे। एक काम कीजिए ना, आपका वही जैतून के आगे ही ना, वो जो ग्राउंड है वही वहीं जाना है ना। एक काम कीजिए, वहाँ रखिए। थोड़ा ही दूर है यहाँ से मेरी हॉस्टल से मेस। चलो फिर अभी मेस पे जाके वीडियो बनाते हैं। ये देखो कैंपस में यहाँ पे बंदर घूमते हैं। बंदर के साथ डियर है, फिर मगरमच्छ भी है वैसे यहाँ, लेकिन वो दूसरे साइड पे। यहाँ पे कई पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं, पंछी भी मिल जाएंगे उसके ऊपर। ये देखो बंदर बैठ के खा रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े लीजर मिलते हैं। कैंपस का मतलब एयर बहुत अच्छा है, पेड़ है ना बहुत सारे यहाँ। बस मैं आने वाला है मेरा। खाना भी वैसे मतलब अच्छा ही है, ठीक ठाक है। वैसे आपको मतलब नॉन वेज भी मिलता है, वेज भी मिलता है। ये आ गया मेरा मेस। आगे वाला जो नीलगिरी दिख रहा है, दिख रहा होगा वैसे तो। वो है नीलगिरी मैस दिखा हुआ, दिख रहा होगा नीलगिरी, उसी में मैस से मेरा
अंदर चल के खाने के बाद पूरी बनाते हैं। हॉस्टल में थोड़ा आराम करिए, 3 बजे से बैडमिंटन मैच है मेरे दोस्त का, तो वहाँ पे जाएंगे, वो वहाँ पे फिर ब्लॉगिंग करेंगे। ऐसा है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का वैसे टाइम रहता है 2 घंटे का। ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है सुबह 7:30 से 9:30 होता है, फिर लंच का टाइमिंग होता है 12:30 से 2:30 बजे तक, और फिर डिनर का टाइम होता है 7:30 से 9:30। ये 3 टाइमिंग होते हैं। खाना तो जो लंच में अभी मुझे खाने मिला था उसका मैंने अभी एक वीडियो तो बनाया है, लेकिन छोटा वीडियो है, मतलब शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा कि लंच में क्या मिलता है। वैसे हर दिन अलग अलग मिलता है, सेम नहीं मिलता। और वो कोई रोक टोक नहीं है कि कितनी बार ले रहे हो ये सब, मतलब जितनी बार चाहे उतनी बार ले लो खाना, लेकिन इतना है कि मतलब बस ध्यान रखे कि वेस्ट ना हो। ये देखो बंदर बैठे हुए हैं, हॉस्टल में भी आ जाते हैं। 3 फ्लोर का हॉस्टल है मेरा, फिर हर फ्लोर पे आ जाते बंदर। चलिए अभी हॉस्टल पे जाके रेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद आपको बैडमिंटन कट का कोर्ट दिखाऊँगा। एक हॉस्टल में इनबिल्ट है यहाँ पे, वो हॉस्टल तो बहुत अच्छा है, बड़ा है एकदम मेरे हॉस्टल से। ठीक है गाइस, चलो फिर मिलते हैं अभी बाद में। हेलो गाइस, अभी हम हॉस्टल से निकल चुका हूँ मैं, अभी जा रहा हूँ वही, अब बैडमिंटन का मैच है मेरे दोस्त का। मैच तो मंदिर की नहीं, हॉस्टल में है, वहीं पे अंदर ही हॉस्टल के अंदर ही बैडमिंटन कोर्ट है। देखो वहाँ पे एक डियर नज़र आ रहा होगा, अगर थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ वो रहा डियर एक, वहीं पे डियर बारहसिंघा सब मिल जाएंगे। ये बस स्टॉप है, हर 15 मिनट पे यहाँ पे बस आती है। आगे ही मतलब हॉस्टल से निकलते ही आगे हिमालय आ जाता है।
चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल में बनाएंगे आईआईटी मद्रास। और वहाँ साइड है हिमालय में, तो जो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है वही है हिमालय में से। हिमालय में ऐसी यहाँ पर सबसे बड़ा मतलब इसका कैंपस का सबसे बड़ा मेस है। वहाँ पे मिल जाता है नॉन वेज वेज, बस पे करके भी मिल जाता है, मतलब कैंटीन भी है साथ में। ये प्लास्टिक फ्री जोन एरिया है ये कैंपस, यहाँ पे मतलब प्लास्टिक फ्री जोन इसलिए मना है, यूज करना भी मना है। आगे वो पीला कलर का एक बिल्डिंग दिख रहा होगा वही है मंदाकिनी। वहीं पे है बैडमिंटन कोर्ट, वहीं पे मैच है। चलो फिर वहाँ पहुँच के वीडियो बनाते हैं। ये बस हम पहुँचने वाले, ऐसी होती है यहाँ के बस जो चलती है कैंपस में, ये मंदाकिनी हम पहुँचने वाले हैं। फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे है बैडमिंटन का न्यास है यहाँ मंदाकिनी कोर्ट हॉस्टल में। 17 से ज़्यादा हॉस्टल है यहाँ पे, तो सोच सकते हो कितना बड़ा कैंपस है। चलने में ही हालत ख़राब हो जाती है यहाँ, जिसको मतलब साइकिल लेना वो ले सकते हैं, लेकिन मुझे तो व्लॉगिंग करना, तो फिर अभी तो पैदल ही चल रहा हूँ। आज मेरा कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, कल से होंगे। ये बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, हाइट देख रहे हो कितने फ्लोर है इसमें। बाकी हॉस्टल में ऐसे छोटी छोटी हैं, 3-4 फ्लोर की हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लोर का है, 9 फ्लोर का है टोटल। वहाँ से एंट्रेंस से चलो ऊपर जाके वीडियो बना दे। सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ, यहाँ पे मंदा के लिए ये देखो सेकंड फ्लोर पे अंदर ही मतलब जिम है वैसे ही पहले से बना। बाकी हॉस्टल में अंदर जिम नहीं होते, वही है भाई बैडमिंटन। मेरे दोस्त का मैच का वेंचर का वीडियो बनाऊंगा तो बेस्ट है, उसमें इसका मैच मजा आएगा। बैठता हूँ
अभी तो रात हो गई है, मैं अभी SSC जा रहा हूँ, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। वहाँ पे मतलब 4 रजिस्ट्रेशन बैंड लेने हैं, उसी से कोई भी इवेंट में एंट्री होगी। वहीं चलते हैं। ये देखो पूरा कैंपस अंधेरे में, जंगली जंगल। से घूमेगी और फिर वापस जाएगी गेट पे। शिवा स्टेलिंग इनकी मेरे। रात हो गई है तो बार बार फोकस हट जा रहा है, कैमरे में ब्लर हो जा रहा है। वो देखो रात में कैसा दिख रहा है चांद। ये देखो रात में भी है, पता नहीं दिखाई दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे कैमरा में, लेकिन है वैसे गार्डन में घास चर घास खा रहे हैं। Awesome.
तो रह गया तुम यार। बस SSC आगे आने वाला है, SSC से आगे पहले स्विमिंग पूल आता है यहाँ पे, ये यहाँ पे स्विमिंग पूल IIT मद्रास का, पता नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा लेकिन इससे ये स्विमिंग पूल है। यहाँ पे अलग अलग कंट्री से भी आते हैं फॉरेनर्स, देखे हैं मैंने अफ्रीकन कंट्री से, यूनाइटेड किंगडम से, पता नहीं और कौन से कंट्री से भी आए हैं यहाँ पे। हाँ ये SSC आ गया है, क्या बोलता थी यार। मिल रहे हैं वाले ये आ गए SSC। चलो अब रजिस्ट्रेशन में ये बैंड लेने के बाद ही वीडियो बनाते हैं। हाँ भाई रजिस्ट्रेशन बैंड ले लिया हूँ SSC से, अब चलो दोबारा मंदाकिनी कोर्ट जा रहा हूँ, वहाँ पे ये वही मेरे दोस्त का मैच है। हुआ ये कि मतलब पहले तो एक मैच में मिस कर दिया मैं उसका, तुरंत उसी टाइम कॉल आ गया। ये देखो बिल्ली बैठी है यहाँ पे, डर रही है बेचारी। अरे लेट रही है, अरे 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 लेट रही है। यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। चलो बाद में मिलते हैं, अभी तो कोर्ट जा रहा हूँ, मंदिर में हॉस्टल जा रहा हूँ अपने दोस्त के मैच लिए। तो बाय बाय, बाद में मिलते हैं। हेलो बेचारी अभी भी सोई हुई है। चलो हॉस्टल जाते हैं, आप हॉस्टल के बाद पता नहीं मैं खाना खाने जा पाऊँगा कि नहीं डिनर में।
चलो हॉस्टल में जाके फिर वीडियो बनाते हैं। हाँ भाई अभी हॉस्टल जा रहा हूँ। एसीसी के बाद मंदी की नहीं हॉस्टल जा रहा था और मेरे तो दोस्त वापस आ रहे थे, उनका मैच हो गया पूरा। मैं एक भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बस मतलब एक 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ अपने दोस्त का, वो शॉर्ट्स में फिर डाल दूँगा। अभी हॉस्टल जाके थोड़ा पानी पीता हूँ और फिर वॉशरूम जाऊँगा, उसके बाद डिनर चलते हैं मिल ग्री मैस में। पैराडॉक्स का इवेंट आज ही से चालू हो रहा था, बहुत लोग दिख रहे कैंपस में घूमते हुए। अर्ली एकोमोडेशन में मैं आया था 21 तारीख से, तब तो मतलब दिखे ही नहीं रहे थे इतने सारे लोग। अभी तो पूरा चहल पहल है, हर जगह बहुत सारे लोग हैं। चलो अब मतलब थोड़ा अब डिनर जाते टाइम फिर वीडियो बनाएंगे। भाई सब निकलते हैं डिनर के लिए। हाँ ये एसीसी से बैंड मिला था मुझे Day 1, Day 2, Day 3 और Day 4 का, चारों बैंड मिले एक एक दिन के लिए। चलो डिनर के लिए चलते हैं। ये देखो हॉस्टल रात में, डोर लॉक हो गया, अब चलते हैं डिनर के लिए। ये देखिए व्यू पूरा रात में बड़ा सा पोस्टर है।
देखिए कैंपस कैसा है। चांदनी रात में चलो फिर अभी डिनर करने के बाद ही फिर वीडियो बनाते हैं। डिनर का मतलब एक मतलब शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा, देख लेना क्या होगा डिनर में। धन्यवाद।